तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ऐसा एक टूल शेयर करने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्री है और देखने में आपका उसका सिस्टमेटिक बिल्कुल, आपने मिरेकल पावर टूल देखे होंगे, सेम टू सेम है वही, लेकिन ये वाला फ्री है, वो वाला पेड है। लेकिन इसमें आपको कैसे काम करना है, सिस्टमेटिक क्या है, सारे कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो यूज़ करना तो बिल्कुल वीडियो की स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए मैं आप लोगों को टूल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, तो फ्रेंड देख पा रहे हो जो आप स्क्रीन पे, ये रहा ये टूल है। ये टूल बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, लेकिन इसमें आपको काम कैसे करना है सारे कुछ दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इस पर देख पा रहे हो, जैसे टूल आप ओपन करोगे तो आपको इस तरह से देखने को लग जाएगा। सेम टू सेम आपको इसका जो थीम है, इसका जो लोगो बनाया गया है, इसका जो लुक है, सेम टू सेम आपका मिरेकल पावर टूल जो आपने देखे होंगे उसी की तरह है। तो इसमें काम करने के लिए बहुत इजी है और सिस्टमेटिक भी बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए ध्यान से वीडियो को, स्किप ना करें। तो सबसे पहले इस पर देख पा रहे हो, इस पर कॉलकॉम का टैब दिया गया है, उसका मीडियाटेक का, उसका सैमसंग का, उसके बाद शाओमी का, उसके बाद आपको यूपीडी वाला जो होता है वो भी इस पर ऐड किया गया है, और इसका आपको एंड्रॉयड, उसके बाद आई एस पी से भी आप काम कर पाओगी। जैसे आई एस पी तो आपको पता ही है, सिंपली आई एस पी के बारे में तो पता ही होगा, जो आई एस पी जंपर करके जिससे हम लोग फ़ोन को अनलॉक करते हैं, ई एफ आई बॉक्स, इजी टैप हो, कुछ भी हो, तो उस तरह से आपको इसमें भी एक काम करने मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग को दुकान में कौन कौन सा जो ज़्यादा आता है, सी पी यू का सेट जो आता है, पता होगा हम लोग का दुकान में ज़्यादा कौन सा सेट आता है, कौन सा चिप सेट का सेट ज़्यादा आता है, तो उसमें हम लोग को काम करना है। देखिए उसी वो वाला टैप हम लोग का सबसे नंबर वन नंबर टू में दिया हुआ है। इसमें आपको पता होंगे, आप सभी को पता होंगे, सैमसंग का फ़ोन हम लोग का दुकान में आता है, मीडियाटेक का काफ़ी सारा फ़ोन हम लोग का दुकान में आता है, उसके बाद आपको कॉलकॉम वाला ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग इस टूल के माध्यम से कर पाओगी इजीली। सिंपल ट्रिक है, आपने दिखाता हूँ। तो कॉलकॉम में जैसे आप क्लिक करोगी, अगर आपके पास सोचिए कोई भी एक फ़ोन आता है, सिंपल सी बात है, आपके पास अगर कोई भी एक फ़ोन आता है, उसके टाइप कर लेना उसका चिपसेट कौन सा है, चिपसेट भी आपको कन्फर्म हो गया, पता चल गया है, तब जाके आपको काम करना है। अगर आपका फ़ोन जो दुकान में है उसका आपका चिपसेट लगा हुआ है कॉलकॉम का, तो सिंपल से आपको कॉलकॉम में क्लिक कर देना है। कॉलकॉम में क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पर आपने क्लिक किया, उसके बाद इस पर नीचे देख। तो फ्रेंड आपने कॉलकॉम को सिलेक्ट किया, आपका दुकान में कॉलकॉम वाला फ़ोन आया तो आपने कॉलकॉम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ये देख पा रहे, इस पर जो स्टेप दिया हुआ है, 1 2 3 4, जो चार टैप एक्स्ट्रा दिया हुआ है उस पर आपको फोकस करना है। तो सबसे नंबर वन वाला है जो फ्लैशिंग वाला है, अगर आप फ्लैश करना चाहते हो इस टूल से वो भी कर पाओगे इजीली। और दो नंबर पर देखिए, इसमें पार्ट मैनेजर जो लिखा हुआ है, पार्ट मैनेजर, इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करना आपको इस पर आपको रिमूव पिन और पासवर्ड, पिन और पासवर्ड इसे बोलता है, इसे आप रिमूव कर पाओगे। सिंपल से आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है एयरटेल पॉइंट से या जो भी होगा, वॉल्यूम अप डाउन, जिस फ़ोन का जो सिस्टम होगा उस तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है फ्रेंड। तो उस तरह से पोर्ट अगर इसे बन जाएगा तो शो करेगा, इस पर आपका कॉलकॉम 9008 वाला पोर्ट इस पर शो करेगा, आपको ध्यान देना है। शो करने के बाद सिंपल से आपको पासवर्ड रिमूव करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। सिंपल से आपको एफ आर पी रिमूव करना है, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। सिंपल से आपको एम आई अकाउंट रिसेट करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड देख पा रहे, मेरा थोड़ा एक फ़ोन है, रेडमी 8A का फ़ोन है। तो इस फ़ोन को मैं कनेक्ट करके आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ सिस्टमेटिक कैसे काम करना है, तब आप लोगों का प्रॉब्लम ना हो, इसी तरीके से आप कर पाओ काम, इसलिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना पड़ता है, आप गूगल पर सर्च कर लेना। तो चलिए मैं इसको ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करता हूँ। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करने से पहले आपको बैटरी जो होता है, बैटरी कनेक्टर, इसको रिमूव कीजिएगा। करने के बाद सिंपल से आपको ट्वीज़र लेना है, ट्वीज़र के माध्यम से आपको जो भी इसका टेस्ट पॉइंट होगा उस पर आपको दोनों पॉइंट से शॉर्ट करके रखना है। तो फ्रेंड देख पा रहे हम लोग का जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपल से आपको इस पर, मैं आपको डिवाइस मैनेजर पर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो हम लोग का डिवाइस मैनेजर देखिए, डिवाइस मैनेजर खुलने से पहले ही इसमें आपको 9008 पोर्ट शो करने लग गया, जैसे देख पा रहे हो इस पर आपको 9008 पोर्ट शो कर गया। तो सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको ये जो कनेक्ट लिखा है फ्रेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
तो जैसे क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा इस फ़ोन का आपका इन्फॉर्मेशन इस पर आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, सिंपल सा ट्रिक है। तो फ्रेंड देख पा रहे हो इस फ़ोन का इन्होंने रीड कर रहा है, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड देख पा रहे हो ये टूल सारे रीड कर लिया, इसका पार्टीशन इसमें शो करने लग गया है। तो सिंपल से ट्रिक है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रीड करना है इसका पार्टीशन बैकअप, मतलब हम लोग बोलते हैं जैसे फ्रेमवेयर बैकअप या सॉफ्टवेयर बैकअप, तो इससे से भी आप इसमें से कर पाओगी। देखिए इस पर लिखा हुआ है आपको रीड राइट इरेस जो भी करना है, आप सिंपल सी एक फाइल को टारगेट भी कर पाओगी इस टूल के माध्यम से। बहुत ही सुंदर टूल है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और इसमें देखिए आप अभी आपको पिन पासवर्ड रिमूव करना है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर भी तोड़ना है तो इसमें आपको करना है। तो इस फ़ोन को मुझे कुछ नहीं करना है, ये कस्टमर का फ़ोन है। तो फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया है पार्टीशन मैनेजर में कैसे काम करना है, और सिंपल सी मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो काम करने का सिस्टम है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको अनलॉक करना है कोई भी फ़ोन का, अगर आप अनलॉक करना चाहते हो, अगर आपको पार्टीशन से काम नहीं करना है, इस स्टेप से काम अगर नहीं करना है, तो सिंपल से ट्रिक है, आप इस पर जाइए, अनलॉक पर जाइए। जाने के बाद सिंपल से आपको इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। देख पा रहे हो इस पर जो लोड लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक मार्क करके सिंपल से आपको इस पर ब्रेन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका फ़ोन होगा तो इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सोचिए शाओमी का है, शाओमी को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से इस पर आपको देख पा रहे हो इस पर मॉडल शो कर रहा है। तो अगर आपका दुकान पर कोई भी फ़ोन आए, कैसे भी मॉडल आ गया, इस पर सपोर्ट रहेगा, तो 8 देख पा रहे हो। इसे मैंने क्लिक किया तो आपको इस तरह से काम करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको देख पा रहे हो सेम वही प्रोसेस है, आपको पिन पासवर्ड रिमूव करना है, या आपको FFP करना है, या MI अकाउंट करना है, जो भी आपको करना चाहते हो इस टूल से आराम से कर पाओगे। और MediaTek में क्या होता है मैं दिखाता हूँ थोड़ा। इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, वही सिस्टम है, आपको पिन पासवर्ड FFP जो भी करना है आप कर पाओगी। और MediaTek को फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको तो पता ही होगा, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके रखो, डाटा कॉल लगा दो, सिंपल सी ट्रिक है, फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद